सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने तो पहला एक नज़र मार लेने सुर्खियां दे वल। पंजाब विच पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना कारण 23 मौतां हुईयां, 549 नवे केस आए सामने। पंजाब सरकार ने लिया वड्डा फैसला, मुख्य सकत्तर ने कहा सारियां सेहत संभाल संस्थावां समेत प्राइवेट हस्पतालां विच लोड़ींदी मेडिकल आक्सीजन की उपलब्धता नूं बनाया जाएगा यकीनी। असाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया वड्डा ऐलान, कहा सूबे विच दो तो वध बच्चों के माता पिता नूं सरकारी योजनावां तो रखा जा सकदा वांझा। पंजाब विच पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना कारण 23 मौतां हुईयां ने, जदों की 549 नवे केस सामने आए ने, जिस कारण नैगेटिव मरीजों की गिनती 7421 हो गई, जदों की सूबे विच हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 592303 है ते 569056 मरीज ठीक होकर घरां नूं परत चुके ने। पंजाब सरकार वालों सूबे विच मेडिकल आक्सीजन की सप्लाई वधाउण अते सारियां सेहत संभाल संस्थावां समेत प्राइवेट हस्पतालां विच लोड़ींदी मेडिकल आक्सीजन की उपलब्धता नूं यकीनी बनाउण लई सारे जिलियां विच 75 प्रैशर सविंग एडजॉर्पशन प्लांट स्थापित किए जाणगे तां जो अत संभावित तीजी कोविड लहर का डट के सामना किया जा सके। दुबई ने भारत समेत कई होर देशों तो आने वाले अपने निवासियों लिए पाबंदियों विच ढिल दे हुक्म जारी किए ने। हालांकि अजिहे लोगों लिए यूएई द्वारा मंजूरशुदा कोविड 19 टीके दियां दोवें खुराकां लैणियां लाजमी ने। गल्फ न्यूज़ की खबर के अनुसार दुबई विच संकट अते आफत प्रबंधन बारे सर्वोच्च कमेटी ने दक्षणी अफ्रीका नाइजीरिया अते भारत तो आने वाले यात्रियों के संबंध में दुबई के ट्रैवल प्रोटोकॉल विच सोधां का ऐलान किया है। लक्सर तहसील विखे गंगा दरिया ते बने एक बंध दे टुट जाण कारण हरिद्वार जिले के कई पिंडां विच पानी भर गया। हड़ दे पानी विच फसे 57 लोगों नूं SDRF दे जवानां ने सुरक्षित बचा लिया। मिली खबरों के मुताबिक गंगा की धारा बाण गंगा ते बने एक बंध एतवार तड़के टुट जाण कारण चंद्रपुरी शेरपुर बेला ते कई होर पिंडां विच पानी भर गया। पुलिस प्रशासन ते NDRF दीआं टीमां ने मौके ते पहुंच के बचाव कार्य शुरू किए ने। पानी का वहाव तेज़ होण कारण बंध की मुरम्मत कारण मुश्किल पेश आ रही सी। एतवार बाद दोपहर मीह दे रुकण पिछों गंगा दे पानी दा पद्धर कुछ घट हो गया, जिस कारण इलाके दे लोकां ते अधिकारियां नूं राहत मिली। असाम दे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वड्डा ऐलान किया। उन्हें कहा कि सूबे विच दो तो वध बच्चों के माता पिता नूं सरकारी योजनावां तो वांझे रखा जा सकता है। उन्हें साफ किया कि सरकार दो बच्चों की नीति नूं लड़ीबद्ध तरीके नाल लागू करेगी ते सूबा सरकार दी योजनावां दा लाभ लैण विच इस नूं लागू किया जाएगा। हालांकि उन्हां दे इस फैसले की विरोधी धिर ने आलोचना की है। मीडिया नाल गल करदिआं शर्मा ने कहा कि सरकारी योजनावां दा लाभ लैण लई कुछ अजिहीआं योजनावां ने जिन्हां लई असीं दो बच्चों की नीति लागू नहीं कर सकते, जिवें कि स्कूल ते कालजां विच मुफ्त दाखला जां प्रधानमंत्री आवास योजना तहत घरां दी सहूलत लैणा आदि। उन्हां कहा कि कुछ योजनावां दे मामले विच जिवें कि मान लवो कि जेकर सूबाई सरकार वल्लों इक आवास योजना शुरू कीती जांदी है तां दो बच्चों के मापदंड नूं पेश कीता जा सकदा है। दस दईए कि असाम विच इस समय पंचायती चोणां लड़न लई घट्टो घट्ट विद्यक योग्यता अते कार्यशील सैनिटरी पखाना जरूरतां लैण दे लई दो बच्चों का मापदंड लागू है, जो कि साल 2018 आसाम पंचायत एक्ट 1994 विच सोध दे अनुसार है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि श्रीनगर सने सारे 15 कश्मीर घाटी रेलवे स्टेशन हुण भारतीय रेलवे के 6021 स्टेशन वाईफाई नैटवर्क के नाल एकीकृत हो गए ने। रेल वायर के ब्रांड नाँ के तहत प्रदान किया गया पब्लिक वाईफाई 15 स्टेशन से उपलब्ध होगा।
बारामूला हमरे पटन मजौम बडगाम श्रीनगर पंपोर काकापुरा अवंतीपुरा पांगम बीजे बिहारा अनंतनाग के फैले हुए ने। कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश जो चार जिले हैडक्वार्टर श्रीनगर बडगांव बनिहाल से काजीगुंड फैलिया हुआ है। वाईफाई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कठुआ बुद्धि छान अरोरियन हीरानगर होर 15 स्टेशनों से पहला तो ही उपलब्ध सी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब न मुख रखद्या तखत श्री हरिमंदर साहब जी पटना साहिब विखे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस दौरान उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब से विचार गोष्ठी की। इस दौरान उगे विद्वाना ने शमूलियत की। इस मौके पर तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब कमेटी के जनरल सकत्र महेंद्रपाल सिंह ढिल्लों ने इस उपराले की शलाघा की। इस मौके तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे स्कीन ने संगत दे नाल विचारां दी सांझ कीती। खुशी का अवसर है कि जिनके बलिदान से और जिनके परिवार के बलिदान से आज भारतवर्ष में हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहेब महाराज जी का 400 साल उनका जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है। बेशक भारत सरकार ने बहुत जगह बड़े बड़े सम्मेलन रखने का प्रावधान किया था, लेकिन देवनेत से वो ये कोरोना कालखंड की ज्यादा भेंट चढ़ गया, लोग एकत्रित नहीं हो पाए। और बावजूद इसके ये समाप्त नहीं हुआ है, इसको हम लगातार पूरे भारतवर्ष में भारत के लोगों को एकत्रित करके गुरु तेग बहादुर साहेब महाराज जी की जीवनी के संबंध में, उनके महान अद्वितीय बलिदान के संबंध में जागृत करते रहेंगे। जैसे आपने इतिहास के झरोखे से देखा है, अफगानिस्तान धीरे धीरे इस्लाम कंट्री हो गया, जो पहले नहीं था। बहुत से देश हिंदू कुश पर्वत, पाकिस्तान बांग्लादेश और बहुत सारे देश मुस्लिम कंट्रीज हो गए। अगर गुरु तेग बहादुर गुरु नानक देव जी का आगमन इस पवित्र भारत भूमि पर नहीं हुआ होता तो संभव है कि हमारे इस देश का नाम भी हिंदुस्तान नहीं होता, कोई और ही नाम होता। यहाँ मंदिर नहीं होते। बेशक हम किसी धर्म मंदिर से, किसी मजहब से, किसी बिरादरी से कोई नफरत नहीं करते हैं, सबको प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म स्थानों की रक्षा भी करना चाहते हैं। हमारे धर्म स्थानों का सम्मान रहे, अपमान किसी का भी ना हो, और हम अपने पुरातन महापुरुषों के मंदिरों का, गुरुद्वारों का पूर्णता सम्मान चाहते हैं। ये बिहार साहित्य सम्मेलन की तरफ से आयोजित किया गया है। इससे पूरा गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान है, इसका क्यों बलिदान हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, क्या हुआ, इसकी जानकारी आज इन्होंने जो शुरू की है। हम चाहते हैं कि ये बिहार साहित्य सम्मेलन की तरफ से पूरे बिहार में, हो सके तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी
इसके चर्चा की जाए ताकि सभी को पता चल जाए कि गुरु तेग बहादुर जी ने किसके लिए क्यों ये बलिदान किया गया है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन एक बहुप्रतिष्ठित भारतवर्ष की साहित्यिक संस्था है और आज सिख गुरु सिख मत के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें जन्म शती वर्ष में उनको एक बलिदानी और एक कवि के रूप में आज स्मरण किया है और उन्हें श्रद्धा तर्पण दिया है। हम ये मानते रहे हैं कि गुरु महाराज का बलिदान इस देश में ही नहीं संपूर्ण मानव जाति की आंतरिक स्वतंत्रता, उसकी वैचारिक स्वतंत्रता, उसके मत की स्वतंत्रता, उसकी निष्ठा की स्वतंत्रता के लिए दिया गया एक अमूल्य बलिदान है जो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज है, अंकित है। तीन काले कानूनों खिलाफ कैंडी टॉक का आयोजन किया गया जिस विच खेती कानूनों नु लेके विचार चर्चा की गई ते किसान अंदोलन दौरान शहीद हुए किसानों नु श्रद्धांजलि दी गई ते किसानों नु गैर कानूनी तौर ते हिरासत विच रखने दे मसले ते विचार वटांदरा किया गया। इस मौके बे एरिया कैलिफोर्निया तो शीना किसानी ने जूम मीटिंग नु होस्ट किया ते मेहमान वजो PAU लुधियाणा तो भू विज्ञानी डॉक्टर वरिंदर पाल सिंह ने शमूलियत की ते अपने विचार रखे। मोगा पुलिस ने एक बदनाम गैंगस्टर नु गिरफ्तार किया है जिसकी पछाण हरदीप सिंह उर्फ सूरज रौंता वजो हुई है जो कि कनेडा स्थित खालिस्तान टाइगर फोर्स के कारशील अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का साथी भी है। पुलिस ने सूरज के कब्जे में एक SUV टोयोटा फॉर्चूनर तीन हथियार समेत एक 315 बोर पिस्तौल 32 बोर पिस्तौल और 32 बोर रिवॉल्वर समेत जिंदा कारतूस बरामद किए ने। जलंधर विखे एक बार फिर तो गोलियां चलन की खबर सामने आई है। मिली जानकारी मुताबिक जलंधर के गोपाल नगर विच शरेआम अनपछाते लोगों ने सुखमीत सिंह डिप्टी ते अन्नेवा गोलियां चला दी हैं जिस कारण उसकी मौत हो गई। इस समय यह वारदात हुई उस समय सुखमीत मोटरसाइकिल से जा रहा सी। गंभीर हालत में उसे मौके पर सत्यम हस्पताल ले जाया गया जिथे कि उसकी मौत हो गई है। जिथे संसार भर विच फादर डे मना लोग अपने पिता नू पिता दा दिन समर्पित कर रहे ने जिस दे चलदियां अज अमृतसर पुलिस दे थाना सिविल लाइन दे ASHO शिवदर्शन सिंह अपने शहीद पिता नू याद करदे हुए भावुक हुंदे नजर आए। इस मौके गल करदे उन्हां कहा कि सानू सारिआं नू अपने माता पिता दी सेवा करनी चाहीदी है तां जो परिवारां विच खुशियां बणियां रह सकण। रायकोट पुलिस ने वख-वख मामलों तहत हैरोइन ते नशीलियां गोलियां समेत तीन व्यक्तियों नू काबू किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान पत्रकारों नू जानकारी देंदिया पुलिस थाना सदर रायकोट दे SHO ने दसिया कि पुलिस पार्टी वालों पिंड जलाल दी वाल विखे स्थित बाठ हस्पताल नजदीक टी पॉइंट ते नाका लगाया होया सी। इस दौरान पल्सर मोटरसाइकिल ते सवार दो व्यक्तियों नू शक दे आधार ते रोकिया ते जदों उन्हां दी तलाशी ले गई तां उन्हां पासों 10 ग्राम हैरोइन बरामद हुई जिसते पुलिस पार्टी ने इन्हां नू हिरासत विच लै लिया ते कार्रवाई शुरू कर दी है। अजकल लोगों का सबर जवाब देन लगे है ते मामूली गल ते लोग असले की नजायज वरतों करन लगे ने। गोली चलन का मामला जिला गुरदासपुर च सामने आया। जिला गुरदासपुर के बटाला की GT रोड से पै रहे लेंटर का सरिया सड़क ते पिया सी जिस करके दो धिरां विच मामूली तकरार हो गई ते बाद विच कुछ नौजवानों ने गोली विच ला दी। गोली एक नौजवान के पैर ते लगी जिसनू इलाज के लिए सिविल हस्पताल दाखिल करवाया गया। इस दाली खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लिए दिओ इजाजत। धन्यवाद।